आप सभी लोगों का, देखने वालों का और सब प्रेस एंड मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुटुंब फिल्म जो हमारा एक सपना था, एक जो बचपन से सोच रहे थे कि कुमार सानू जी को गाने गवाने का मौका मिलेगा कभी, क्योंकि उनके गाने सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, तो आज जब वो गाना उनको गवाया और गाना जब हिट हो जाता है तो जितनी खुशी शायद एक म्यूज़िक कंपोजर को मिले, मुझे लगता है जितना, क्योंकि उसको दिल से और जान से जिया है उस गाने को, और उसके जो लिरिक्स भी हैं वो बहुत दिल को छूने वाले हैं। और साथ में जावेद भाई ने भी गाना गाया है, और अलका याग्निक जी, शाहिद मालिया जी, ऐश्वर्या पंडित हैं, तृप्ति दीदी ने, सबसे बड़ी बात है कि एक भजन सम्राट हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के जो गाना आया है वो उनका, उन्होंने गाया हुआ है, अवध का छोरा उन्होंने गाया है राजपाल भैया के साथ, और थोड़ा सा मैंने भी कट टोन लगाई उसमें, तो ये सब अच्छा हो गया, सब लोगों के एक्चुअली प्यार और सहयोग से फिल्म बनी है, बहुत अच्छा काम हुआ है इस फिल्म का। तो बस यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म का जैसे म्यूज़िक पसंद किया आप सब लोगों ने, ये फिल्म को पसंद करें और ताकि हम कुटुंब पार्ट टू बना सकें। इसके बाद अमित जी की फिल्म है सेकेंड, राजपाल भैया की फिल्म है जो अभी जल्दी उसका म्यूज़िक रेडी कर रहा हूँ मैं, तो धीरे धीरे चल रहा है सब चीज़ें जी। मेरा नाम है अमिश्री यादव और मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और ये फिल्म मैंने लिखी भी है। सर, किस तरह का विषय इस फिल्म में और क्या प्रेरित किया आपको इस फिल्म को बनाने के लिए, और जो कलाकार का चयन किया आपने राजपाल जी, किस तरह से उन्होंने सहयोग किया? पहले तो ये जो फिल्म एक बनाने के लिए हमसे दर्शकों के लिए इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि ये फैमिली ड्रामा है, बहुत सारी अभी तक आपने फैमिली ड्रामा देखे, इनमें डिफरेंस क्या है जो और फैमिली ड्रामा फिल्में आई हैं, तो 100% आपको कहीं ना कहीं अलग एक डिफरेंट देखने को मौका मिलेगा इस फिल्म को देखेंगे तो। आज की डेट में काफ़ी रोमांटिक फिल्में आ रही हैं, लगता है, लेकिन आपने फैमिली ड्रामा की चूज किया, आजकल बॉलीवुड से फैमिली ड्रामा धीरे धीरे निकलता जा रहा है, तो आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? ये फैमिली ड्रामा ज़रूर है, ये हमारी कहानी फैमिली ड्रामा है, लेकिन इसमें कॉमेडी भी है, इसमें मतलब कहीं ना कहीं आपको थ्रिलर भी मिलेगा, एक मिक्सर भी है, लेकिन जो कहानी की थीम है वो। और रही बात की जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि फैमिली ड्रामा कहीं ना कहीं हटता जा रहा है, ये मैं मानता नहीं हूँ कि जब तक सिनेमा ज़िंदा रहेगा कभी न कभी कोई न कोई फैमिली ड्रामा बनाता रहेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारा संस्कार, हमारी मिट्टी में जो खुशबू है वो कहीं की फैमिली को एकत्रित करने की खुशबू है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई परिवार 100% एक रहने की कोशिश करता है, तो जब जब सिनेमा, मैं तो कह रहा हूँ जब तक इंडस्ट्री रहेगी तब तक कोई न कोई फैमिली ड्रामा ज़रूर बनाता रहेगा। मैंने एक इंटरव्यू रोल किया, पांच भाइयों कहानी है ये, तो पारिवारिक, तो उसमें पांच भाइयों में एक भाई का कैरेक्टर रखा था और शायद तीसरे नंबर का है। हजार लोगों को भी एंजॉय करेंगे इस फिल्म देख के, कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट हो जाता है अपने परिवार से, जो भी लोग अगर फैमिली से दूर रहते होंगे उनको फिल्म देखने के बाद उन्हें परिवार मिस करेंगे। तो ये बताइए, जो पारिवारिक फिल्म है तो जो एक्टिंग होता है पारिवारिक फिल्म में, जो आपका सब फीलिंग्स होता है उसको जनरेट करना बहुत चैलेंजिंग होता है, कैसा अनुभव था सेटिंग के दौरान? नहीं, अनुभव बहुत अच्छा था, मैं तो पहली बार किया इस फिल्म में, नहीं था इसको, मैंने एक बार बोला हमने कि ऐसे मजाक में कि भाई हमें भी करा लो, तो ये सीरियस हो गए। नहीं देखो, वो रंगमंच के, उन्होंने रंगमंच के थिएटर के वो व्यक्ति हैं, और एक जब थिएटर जो किया होता है उससे हर चीज़ आती है, चाहे वो म्यूजिक ले लो, कहीं की बेसिक नॉलेज होती होती है, तो हम लोगों की उत्तर प्रदेश की ऐसी आवाज़ चाहिए थी, ऐसी टोन चाहिए थी जो हमें कहीं ना कहीं होली के गाने में फिट हो जाए, तो अवध का छोरा, खेलर गुलाल, अवध के दो ही लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में, या तो अमिताभ बच्चन साहब जी हैं और दूसरे हमारे बड़े भाई माने राजपाल जी हैं, तो दो ही अवध के छोरे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की, गाना गाया उन्होंने दीदी के साथ, तृप्ति साकेत जी के साथ गाना गाया, उसके बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इंद्रपाल भैया राजपाल भैया से करीब 12 साल छोटे हैं और पहली फिल्म है, दिखता बड़ा हूँ, दिखता बड़ा। हाँ, अमित जी ऑल ओवर इंडिया में आपने प्रमोशन किया है जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सर? मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मैंने पूरी इंडिया जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ, जहाँ गया हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो इन लोगों को रास्ता नहीं मिल पा रहा है सिनेमा आने के लिए, लोग भटक जाते हैं, शोषण भी होता है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हर किसी से जो हमारे इस फिल्म के लोग हैं कि नए लोगों को चांस दें, नए लोगों को आगे बढ़ाएं, और ये बहुत अच्छी बात है कि नया हर कोई एक ना एक बार होता है। जी, क्योंकि इस शो के बाद नेक्स्ट टाइम है ना उनका? जी, मैं एक्चुअली मैं राजमीना, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और
मेरा राजस्थान से एक गांव है सकट, वहाँ से हूँ मैं। मेरे पापा जी रेले में, अभी माता जी पिता पिता सब लोग आए हुए हैं, तो कंप्लीट फैमिली कुटुंब आई हुए हैं, हम लोग सब परिवार से जुड़े हुए हैं। और परिवार जब शामिल होता है तो वो खुशी कई गुना हो जाती है। सो मैं बॉम्बे में, मेरी जो शुरुआत हुई एक फैमिली ड्रामा से हो रही है, मेरे लिए बहुत 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 सौभाग्य वाली बात है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं क्या कैसा फील कर रहा हूँ। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पारिवारिक फिल्म इस बॉलीवुड में आना, मतलब आफ्टर बागवान, ये मतलब होना चाहिए जी। बिल्कुल, बहुत ये इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। मतलब आई फील माई सेल्फ कि आई एम रियली ब्लेस्ड, एंड मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म आप लोगों को भी पसंद आए, आप लोग देखें, अब कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये हर किसी की फिल्म है, ये हर एक फैमिली की फिल्म है, हर एक किरदार आपको अटैच करेगा, और कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच। देखने को मिलने वाली है जहाँ इस पूरे व्यस्तम लाइफ में, पूरे भाग दौड़ में, पूरे पूर्णतापन जहाँ फिल्म में आती है, कुटुंब दी फैमिली में एक परिवार भाव का हमें देखने का मौका मिलने वाली है। मैं पूरे कुटुंब परिवार को, मैं अपने और मनोज गुप्ता एसोसिएट प्रोड्यूसर की ओर से हार्दिक स्वागत और बधाई देता हूँ। अब पूरा उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म देखने को मिलने वाली है। मैं पुनः सभी को बधाई देते हुए, बिल्कुल ये व्यस्तम लाइफ में कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि पूरे हमारे पूरे समाज एक वेस्टर्न लाइफ की तरफ बढ़ते जा रही है। वहाँ पे अगर पूरे कुटुंब परिवार, अमित यादव जी और श्याम अवतार गडिया जी ने जिस तरह से पूरे इस पूरे फिल्म में एक नयापन, एक परिवार भाव को दिखाने का प्रयास किया है, मुझे पूरे पूर्ण विश्वास है कि यह फिल्म सभी को बहुत पसंद आएगी। और बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म अमित यादव जी ने जो करके दिखाया है, मैं उनको बहुत हृदय से अब बधाई देता हूँ। जी जी जी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में, क्योंकि कुमार सानू जी लीजेंड हैं, लेकिन उस समय मैं भूल गया था कि मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, मेरा गाना हिट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एटीट्यूड रखा। लेकिन फिर उनके बाद जहाँ से गाना कंप्लीट हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया कि दादा मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं कोई म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं हूँ। फिर वो दादा का आशीर्वाद मिला है, 2 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, सब लोग गाना पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा जो बेटा है जो लॉन्च हो रहा है इस कुटुंब फिल्म में, मैं समझता हूँ कि यह सुपर हिट होगी। इसकी जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और सभी परिवार वालों को देखना चाहिए, जिससे मेरा परिवार तो देखा ही आए। ये मेरे बड़े भैया, बड़े पापा जी हैं मेरे, ये पापा जी हैं, ये मेरी माता जी हैं, और मेरे मामा जी हैं, धन सिंह मामा जी। ये कंप्लीट फैमिली है, कुटुंब हम लोग सबका परिवार है, और बिना माता पिता के, बिना बड़े लोगों के ये परिवार अधूरा है। और बोलते हैं ना कि भगवान से बड़ा गुरु आपका परिवार और आपके माता पिता होते हैं, मेरे लिए सब परिवार है, मेरे गुरु हैं, मेरे प्यार हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से आप भी अपने परिवार को स्ट्रांग रखें, मजबूती से रखें, और टूटने और बिखरने ना दें। तो मैं ये चाहता हूँ, बाकी माता जी रहें, मम्मी आप कुछ बोलेंगे। नहीं, ये बहुत अच्छा है, बचपन से बहुत अच्छा है, इसको बहुत इंटरेस्ट है बचपन से ही इस लाइन में आने का, और मैं चाहूँ कि ये बहुत बहुत सुपर हिट होए, और बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, और बहुत थैंक यू। अपना देश करोड़ों कुटुंब में बटा हुआ है, चूँकि ये कुटुंब पिक्चर जो है कुटुंब को जोड़ती है, तो एक तरह से हमारे पूरे देश को भी जोड़ेगी, जिससे हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को, सभी को इसका बड़ा फायदा होगा। इससे लगता है कि हमारी कुटुंब पिक्चर जो है बहुत अच्छी स्तर पर हिट होनी चाहिए। थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि नगमा जो है इनका जो कंप्लीट पीआर कर रही है, और हमारे दोस्त हैं अमित भाई, और उन्होंने बोला कि एक टेक्नीशियन को सपोर्ट करने आया हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि एक हमारे टेक्नीशियन की फिल्म है, तो एक टेक्नीशियन को सपोर्ट करने आया हूँ। और उम्मीद है ये पारिवारिक फिल्म है कुटुंब और द फैमिली, एंड ऑडियंस को भी अपने पूरी फैमिली के साथ जाके देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल फैमिली फिल्म आती नहीं है, और बहुत देर बाद ये ऐसी फैमिली फिल्म आई है जो एंटरटेनिंग भी है, राजपाल भी है, सो आई थिंक पूरा मसाला मिलेगा इसके अंदर, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, एंड आई विश अमित एंड द होल टीम वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल सी द फिल्म एंड आई विल टेल यू लेटर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, फोटो भी।
कुटुम बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड मूवी है. सो इट्स बीन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऐसे कोई मूवी रिलीज हो रही है जिसमें बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है एंड यू नो भाइयों का प्यार कैसे होता है. सो वैसे हम लोग ने बताया है एंड आई होप एवरीवन विल लाइक इट. प्लीज गो एंड वॉच इट. मेरा कैरेक्टर बहुत ही झगड़ालू है इसमें. सो आई एम जस्ट फाइटिंग विथ माई जो मेरा को स्टार है इंद्रपाल जी जो यहाँ पर ही है. तो मैं उनके साथ खाली झगड़ा ही कर रही हूँ. आप देखो आई एम श्योर यू माइट लाइक इट. जस्ट गो एंड वॉच इट नाउ. थैंक यू.